तो फाइनल से यहाँ पर होता प्रोग्राम बहुत शानदार बहुत बेहतरीन। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और यहाँ खा रहे हैं गोलगप्पे हैं। कैसा लग रहा है गोलगप्पे? कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। टेस्टी है। क्या मजा है यहाँ पर? क्या मजा है आपको? अंकल मोमोज तो एकदम मस्त हैं। कौन सी कहाँ से खाया आपने मोमोज? से अंकल से। अंकल से खाए? यहाँ पे अंकल की दुकान काफी बता रहे हैं। अंकल कह रहे हैं अंकल ने मोमोज दिए हैं तो यहाँ पर सेल कर रहे हैं और सारे बच्चे खा रहे हैं। यहाँ पे काफी बेहतरीन तरह से बना रहे हैं और सबको प्यार दे रहे हैं। तो अभी काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ लोगों से बातें करूँ और किस प्रकार से। तो नमस्कार सर, कैसा लगा अभी आपको यहाँ का प्रोग्राम, बताएंगे जरा सा? अच्छा लगा। मतलब कहाँ, उत्तराखंड के आप? नहीं, या कहाँ के सर आप? हम तो मेरठ के हैं। अच्छा, मेरठ के। तो कैसा लगा सर आज यहाँ का जो प्रोग्राम? अच्छा लगा। तो आपने क्या, अच्छा सबसे बेस्ट क्या लगा सर आपको यहाँ पे? लोग रहन सहन या मतलब किस तरह से, मतलब ये गाना वाना यहाँ, मतलब यहाँ का कल्चर आपको पसंद आया? तो आप कहाँ मेरठ में, कहाँ के रहने वाले? मेरठ में हम सरदने के जुलेडे के पास। तो हमारे भैया जो है हमारे साथ जुड़े थे और काफी अच्छा लगता है कि इस तरह से हमारे उत्तराखंड के कल्चर को भी देख रहे हैं। तो अभी आपको अच्छा लगा था? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई ऐसा तो नहीं था कि नहीं, कोई मतलब अच्छा सब में मदद जैसे कहते हैं। तो यहाँ पर भैया ने हमें काफी अच्छा दिया। आपका शुभ नाम था सर? रोहित त्यागी। हमारे बीच में रोहित त्यागी जी ने, उन्होंने काफी यहाँ का प्रोग्राम दिखा, कह रहे हैं बहुत अच्छा था यहाँ पे। और मैं छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूँ, यहाँ पी रहे हैं पानी। तो क्या नाम है आपका? कभी होगा कहाँ रुक रहा बताओ यार मुझे, बताओ अभियोग बोल रहे आप? अभियोग कहाँ के, कहाँ रहते हैं मैडम? गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ क्या देखने आते हैं आप? कौन से गाने? गुलाबी शरारा सुना? क्यों नहीं सुना? तुम गुलाबी शरारा वाले आए नहीं थे? भी आए थे ना? तो कौन सा सुना आपने यहाँ गाना? नहीं सुना, अभी बता रहे तो छोड़े। हाँ, आपका YouTube चैनल क्या है? मेरा यूके पहाड़ी ब्लॉग्स। अगर आप मेरे पहाड़ी ब्लॉग्स, आपका नाम क्या है पहले बताओ? सबसे पहले मैं दिल्ली की। दिल्ली के? क्या नाम है आपका? काशवी। बेटा क्या लगा अच्छा आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ पे डांसेस बहुत अच्छे लगे, बहुत यूनिक टाइप। अच्छा। है और मेरे को जो वो वाला अच्छा लगा जो वो थोड़ा डोली टाइप लेकर आए। अच्छा, नंदा जी का डोला। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले वैसे? मैं वैसे दिल्ली। नहीं, पीछे कहाँ से रहने वाले? उत्तराखंड के रहने वाले या दिल्ली? यहाँ की रहने वाले। तो कभी गाँव जाते हो? तो इसी माध्यम से हमारे कल्चर को भी देख रहे हो यहाँ पर है। तो हमारा कल्चर अच्छा है कि नहीं? बढ़िया है हमारा, बहुत आपका बहुत अच्छा है। तो आप भी जाते हो कभी? गए नैनीताल? भीमताल गए तो घूमने? हाँ, नैनीताल तो गई। तो कैसा लगा आपको वहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। तो उत्तराखंड उधर कभी डांसेस नहीं देखे ना, उत्तराखंड गई हूँ। अच्छा, आज पहली बार यहाँ डांस देखा आपने? हाँ। तो आज का अनुभव कैसा है आपका? बहुत अच्छा। तो हमेशा ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, होना चाहिए। तो छोटी सी, तो हमारे छोटी सी गुड़िया ने हमें बताया यहाँ पर यहाँ ऐसा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि कल्चर से जुड़े रहते हैं लोग। और धीमे धीमे करके हम अभी और लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ गुड़िया से बात करूँ। आप बात करेंगे थोड़ा सा? नहीं करेंगे? तो चलो कोई बात नहीं, बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ और भी कुछ बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो संस्कृत को देख रहे हैं। आ जाओ बेटा। नविका शर्मा हमारे बीच में, काफी छोटे छोटे बच्चे सारे यहाँ। आज मैं यूट्यूबर के बीच में घिर गया हूँ भैया, ये छोड़ने वाले नहीं, आज करने वाले खूब सारे धमाल यहाँ पर। तो यहाँ अच्छा, ठीक है। और इस गुड़िया को भी, और भी कहना चाहता है कुछ बच्चे कहने जाएंगे? और कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहने जाओगे? नहीं कहना चाहोगे? शर्म लगनी थोड़ी थोड़ी है। क्या बात है, क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? क्वेश्चन नेम? बोल दो यार, बहुत है। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर काफी बेहतरीन सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे बच्चे आए हुए। और आपका भी कुछ चैनल है? कब चैनल आपका भी? कौन सा चैनल है? नहीं, मैं यूट्यूब नहीं बनाती, मेरे को अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई में ध्यान रखती हूँ। तो सारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान भी रखते हैं, साथ में खाने पीने का जो चैनल बना रखा है इस भाई ने। तो जो भी खाना खाना चाहता है तो भाई के साथ जरूर जुड़े, है ना? है, तो देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर सारे लोग हैं। और चलते दिखाते हैं। और यहाँ का हमने जो ब्लॉग शूट किया था, काफी यहाँ का प्रोग्राम था, कैप्चर किया और काफी अच्छा लगा था। छमछम, क्या नाम बिगाड़ रहे हो? गलत बात, रॉन्ग नेम, नथिंग। सारे बच्चे हैं, इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे।
आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर आज नगर दोमो के साथ यहाँ पर चल रहे हैं लोग और देख रहे हैं किस प्रकार से कैप्चर पूरे जो पब्लिक यहाँ पर आके वहाँ दिख रही है सारी। तो जो भी है किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम जो होता है बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है और आज यहाँ का जो प्रोग्राम है बहुत शानदार, आप लोग यहाँ के जो वासी हैं और यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पूरा प्रोग्राम का एंजॉय लेने वाले हैं और आप चाहते हैं उत्तराखंड के वासी हैं आज फुल तक इस सब ये प्रोग्राम हो रहा है तो ज़्यादा बातें करते दिखाते किस प्रकार से यहाँ रैली आ रही है। सारे लोग जो यहाँ के वासी हैं एक साथ एकत्रित होते हुए यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना पड़ा है और जिस तरह से आप दिखाया जा रहा है कि आपको एक यहाँ पर पूरे उसमें घुमाया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं कि सभी लोग पहुँचे हुए हैं और आप यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनने वाला जो आज यहाँ पर और हम चाहते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर यहाँ का लुत्फ उठाने वाले हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? आपका नाम क्या है? रोकी रो मम्मा चलेंगे छोड़ के, तो इनकी मम्मा चलेंगे छोड़ के, तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे से बोलते हैं अरे बच्चे इधर आओ, क्या कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो? क्या वाइब तो ले रहे हैं क्या ये क्रिकेट क्यों कब क्या खेलने आए यार ऐसे? अच्छा ये दिखा दो इधर वाइब लेने आ गए। अच्छा वाइब लेने आ गए और आप क्या करने हैं छोटे यहाँ पे क्या करने हैं आप? क्या कर रहे हो पता नहीं अभी देखेंगे तब पता लेंगे। तो चल रही है दिखा रहे किसी काफी लोग यहाँ पहुँचे और बचा तो उपस्थित है सारी चीज़ें दिखाऊँ।
पहुंच गए जिस पार्क स्टार रमेश्वर मंदिर है यहाँ पर, और इस मंदिर में आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और चाहते हैं कि उत्तराखंडवासी सब यहाँ लोग पहुँच चुके हैं और एक अच्छा लगा यहाँ पर तरह से। अब थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाए।
अच्छा धूम मचाते हुए नजर आए और काफी अच्छा नाच करते हुए छोटे छोटे बच्चे भी नाच रहे हैं यहाँ पर। एक अच्छा लग रहा है कि आज माहौल पूरा रहेगा कि पूरा उत्तराखंड यहाँ पहुँच चुका है और धीमे धीमे करके यहाँ पे हमारे थोड़े यहाँ के जो संपादक हैं वो भी कहते हैं कि थोड़ा सा कैसा हो जाए थोड़ा सा ये आवाज कहती है। अरे हुआ अब आया तो मैं बताता हूँ जैसे भैया रुका कहाँ गए चले गए क्या बात है ये तो चाहिए तभी मजा लगेगा कि फुलते का आज त्यौहार हो रहा है यहाँ पर। तो अभी ऐसे लोग जुड़े रहे और काफी अच्छा लगता है इस तरह से माहौल बना रहेगा और अभी जो गाने रहे होंगे तब और भी हो सकेगा। यहाँ जी माता जी भी आई माता जी कैसा लग रहा है आपको खूब डांस नहीं किया लेकिन अब करूँगी डांस है घुट्टे में दूर रहा है हाँ यही तो बात है सब जब आता नहीं तो घुट्टे में दर्द होता है। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं और भी यहाँ पर आज प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे तो सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ का प्रोग्राम का चालू का स्टार्ट हो गया क्योंकि अब चाहते हैं समय भी जिस समय से बोला गया था उस समय से काफ़ी लेट हो गए। यहाँ पर हमारी टीम जो आने वाली यहाँ पर पूरा कार्य होने वाला पूरा और हमारे भाई पहुँच गए पंत जी और कैसे गौरव ऐसे सभी लोग पहुँचते हैं यहाँ पर I'm gonna make it.
तालियों के साथ बोलिए जय जयकार हो तुम्हारी जय जयकार हो। अरे जय जयकार हो तुम्हारी जय जयकार हो। सेवा सप्ताह ने हिंडन घाट में आते हमारे कमल जी यहाँ पे, उन्होंने मेरे से कहा यार कमल जी ने कि यार हरियाला जी एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से चौहान साहब का स्वागत हो। रिक्वेस्ट करूंगा मैं त्यागी जी से प्लीज मंच पे आए। बीएस रावत जी, बीएस रावत जी आपसे, कोई किस दिल से मिलता है, कोई किस दिल से मिलता है, कोई किस दिल से मिलता है और कोई किस दिल से मिलता है, और जो दिल से मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो जो दिल से मिले हुए लोग हैं ना उनको संभाल के रखिए। प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज प्लीज सर। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, उनके आशीर्वाद के बिना कोई गति नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो। चोपड़ा जी प्लीज मंच पे आइएगा, जोरदार तालियों से हम इन सबका स्वागत करें। निर्मल पंत जी जहाँ कहीं भी हैं प्लीज प्लीज मंच पे आइए प्लीज। आपको पछाड़
पर्व, सांस्कृतिक पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस पछाण का अर्थ होता है, पछाण का अर्थ पहचान, आइडेंटिटी। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये केवल उत्तराखंड की आइडेंटिटी नहीं है बल्कि संपूर्ण भारत की पहचान है। और इसी पहचान, जैसे इसी पहचान को, जो भारत की पहचान है वो उत्तराखंड के माध्यम से पूरे देश में फैलाना है, ना कि पूरे देश में बल्कि विश्व के माध्यम से। इस सांस्कृतिक पर्व के माध्यम से हम न केवल सोसाइटी को बल्कि पूरे उत्तराखंड को, बल्कि पूरे पहचान है आत्मा, वो हमारी यहाँ की पहचान है। और इसीलिए हम सभी लोगों को इस अवसर पे बहुत शुभ शुभकामनाएं। भारत इस अंदाज में बैठे हुए सभी जागरूक नागरिक, स्टार रामेश्वरम के जितने भी वासी हैं वहाँ के आए हुए, मेरा सबको अभिनंदन है। क्योंकि अपना घर अब तो दुनिया चलाती है, लेकिन खास तौर से मैं उत्तराखंड के अलावा जो दो लोग आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके शोभा बढ़े। मैं चार लाइन बोलना चाहूँगा। जिस दिन अंतर मिट जाएगा, जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, पूरब और पश्चिम में, उत्तराखंड और बिहार में, उस दिन स्वर्ग बन जाएगी स्टार रामेश्वरम सोसाइटी गाजियाबाद में। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी। आपके ब्लॉग आपके बीच में हमेशा नया नया ब्लॉग लाता रहूंगा, बहुत अच्छी वीडियो दिखाता रहूंगा, उत्तराखंड कल्चर के साथ जोड़ता रहूंगा। और आप लोग सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, वो है सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए। अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए, जो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके बटन को भी दबा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हमारे पास आता है। इसके बाद जो ये वीडियो चलेगी उसके बाद दूसरी ब्लॉग कल एक्चुअली नेक्स्ट दिन 6 बजे आएगी या कभी भी आ सकती है, लेकिन आप अपडेट रहे हमारे साथ और प्लीज कमेंट भर के दें। थैंक यू सो मच। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।